हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीज़ा में जो नई अपडेट आई है जीआईसी का अमाउंट डबल किया गया है उसके बारे में जैसे आप सभी को पता है कि जब से ये अपडेट आई है मार्केट में बहुत पैनिक है बहुत कंफ्यूजन है और बच्चे भी जल्दबाजी में है कि कैसे ना कैसे मैं अपनी फाइल फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी से पहले लॉन्च कर दूँ पेरेंट्स लगे हुए हैं कि कहीं से भी पैसा आ जाए कहीं से भी हमें पैसे का कोई जुगाड़ हो जाए तो हम अपने बच्चे की फ़ाइल लॉन्च कर दें और जो जी का अमाउंट डबल हुआ है वो हमें पे ना करना पड़े इसके पीछे कितना बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है आज एक बच्चे का कॉल आया हमारे टीम मेंबर को उसने बताया कि उसके जो कंसल्टेंट है उसने बताया है कि जो जी का डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया है आई RCC ने अभी अगर आपकी फ़ाइल फर्स्ट जनवरी 2024 से बाद में भी हम लॉन्च करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप अपनी फाइल को एस कैटेगरी में सिर्फ दस कैनेडियन डॉलर पे कर 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 जी का अपनी फाइल लॉज कर सकते हो अभी इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है उस कंसल्टेंट ने उस बच्चे को ऐसा क्यों बोला क्या ये भी कोई स्कैम है तो इसके बारे में बात करेंगे अगर आपके कंसल्टेंट भी कोई ऐसी बात आपको बोल रहे हैं जिसके बारे में आपको कंफर्मेशन नहीं है आपने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि उनकी बात पर मत रहना इस मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं इस पूरी अपडेट को लेकर क्योंकि जब भी हम जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेते हैं ना कोई जल्दबाजी में फाइल लॉन्च करनी है कोई डिसीज़न लेना है तो बहुत बड़ी गलती करते हैं और गलती करने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं एक पैसा भी आपका वापस नहीं आएगा अगर आपने कोई भी गलती की इसीलिए फ़ाइल लॉन्च करने से पहले अपनी फीस पे करने से पहले सारी चीज़ों को अच्छे से चेक जरूर कर लीजिए ताजो किसी तरह का कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना रहे जो भी आप डिसीजन ले वो प्रॉपर रहे उसके पीछे कोई आपको मिस गाइड ना कर पाए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों उस कंसल्टेंट ने ऐसा कहा कि आप दस या दो सौ बाद में भी पे कर सकते हो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है ऐसी स्टेटमेंट क्यों कंसल्टेंट दे रहे हैं अलग अलग तरह के कॉलेज क्यों दिए जा रहे हैं जिस कॉलेज का कभी नाम ही नहीं सुना था जो पूरी तरह से आपको मालूम है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं दे रहे ऐसे कॉलेज क्यों सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं दिसंबर मंथ में और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किन को होगा और सबसे बड़ा लॉस किन को होगा उसके बारे में बात करूँगा ये वीडियो बहुत ख़ास है उन सभी बच्चों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ अप्लाई कर चुके हैं कैनेडा में है सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है कि कैसे अपने आप को इस समय में जो सबसे ज़्यादा पैनिक और कन्फ्यूज़न बना हुआ है इस समय में आपने सेव करना है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि आपको कंटिन्यूसली ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे सबसे पहले बात करेंगे जो अभी कंफ्यूजन बना हुआ है देखिए बहुत सिंपल अपडेट आई है आपकी फाइल किसी भी इनटेक के लिए जा रही है किसी भी कॉलेज में जा रही है किसी भी कोर्स में जा रही है आपने सिर्फ अपनी फाइल को लॉज करना है अगर तो आपकी फाइल फर्स्ट थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से पहले लॉज हो जाती है एम्बेसी में तो आपको दस हजार दो सौ जी आई सी के साथ एस डी एस में फाइल लॉज करने का हक हाँ है अदरवाइज आपको डबल जी आई सी ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव कनेडियन डॉलर पे करना पड़ेगा अगर इस पर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए दूसरा अभी जैसे उस कंसल्टेंट ने बोला कि आपका जो जी आई सी का डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो चुका है अभी उस अकेले कंसल्टेंट के लिए हो गया हो तो अलग बात है सभी मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है जहाँ पर आई ने इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जस्टिन टूडो ने या किसी ने भी कोई अपडेट दी हो या इस तरह का सिग्नल दिया हो कि ये डेडलाइन एक्सटेंड होने वाली है ऐसा भी अभी तक मार्केट में नहीं है किसी भी न्यूज़ चैनल पे हमने नहीं सुना मगर ऐसा क्यों कहा गया उस बच्चे से हमने पूछा कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ आप थोड़ा अपने केस के बारे में बताइए थोड़ा आपने जो आपका आपने उससे प्लान लेना है जो पैकेज करना है उसके बारे में बताइए तो उसने बोला कि सर वो हमारे साथ पैकेज कर रहे थे ट्वेंटी थाउजेंड हमारे से उन्होंने प्रोसेसिंग फीस के रूप में ले लिया और हमने उसको बोला था कि हमारे पास अभी जीआईसी पे करने के लिए पैसा नहीं है पूरा दस या दो सौ तो उसने बोला कि हम अभी पे नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने बोला कि अभी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट आप हमें ट्वेंटी थाउजेंड जो हमारा प्रोसेसिंग फीस है वो दे दीजिए बाकी सारा पैसा आपने कैनेडा पहुंचने के बाद देना है जब आपका वीज़ा आ जाएगा उसके बाद देना है ट्वेंटी थाउजेंड आप हमें प्रोसेसिंग फीस के रूम में आज दे दीजिए आपकी फाइल हम लॉन्च करेंगे थर्टी फर्स्ट दिसंबर से पहले अगर आप उससे बाद भी जी पे करते हो तो भी आपको दस या दो सौ पे करनी पड़ेगी बाई चांस आपसे वो पैसा अरेंज नहीं होता थर्टी फर्स्ट दिसंबर से पहले पहले तो भी कोई इशू नहीं है तो भी आप अपनी फाइल बाद में भी लॉन्च करेंगे तो भी आप दस या दो सौ के साथ पे कर सकते हैं तो हमने उसको बहुत क्लियरली समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है अगर आप पैसा अरेंज नहीं कर पाते थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इससे पहले तो वो डेडलाइन जो आपको उन्होंने बताई ना कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वो डेडलाइन एक्चुअल में नहीं है एक्चुअल में जो हमने कल एक वीडियो आपके लिए दिया था कि अभी जो डेडलाइन ये नहीं है कि आप थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक अपनी जी आई सी पे कर सकते हैं जी पे करने के लिए आपको जी का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जी का अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन शीट आएगी इंस्ट्रक्शन शीट आने के बाद आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के बाद बैंक आपकी जी को प्रोसेस करेगा उसके बाद आपको जी का सर्टिफिकेट आएगा और बैंक जो हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं वो ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ अलग अलग डेट को क्लोज कर रहे हैं अपना सारा वर्किंग का जो भी काम है अगर आपके पास अरेंज ट्वेंटी फिफ्थ को पैसा होता है तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी फ़ाइल लॉन्च हो जाएगी और जब आप फर्स्ट जनवरी के बाद लॉन्च करेंगे तो आपको बीस हजार छः सौ पैंतीस डॉलर ही पे करने पड़ेंगे उसने आपसे ट्वेंटी थाउजेंड कनेडियन ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ जो आपका प्रोसेसिंग फीस था वो ले लिया अब आप फाइल लॉन्च करें चाहे ना करें वो आप, आपकी हेड है और वो उसने बोल के लिया है कि वो नॉन रिफंडेबल है क्योंकि आप पैकेज कर रहे हो क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे हो इसीलिए अगर आपके पास क्लियर है कि मेरे से थर्टी फर्स्ट दिसंबर नहीं अभी काउंट करना आपने ट्वेंटी फोर्थ लगा लीजिए लास्ट डेडलाइन ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर तक अगर आपसे पैसा अरेंज नहीं होता तो मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि कोई जल्दबाजी नहीं है पैनिक में मत आइए पैनिक आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी करके देगा आपसे कोई ऐसे डिसीज़न करवा देगा जो बाद में आप जेन तरीके से अच्छे तरीके से जो आप आपके बच्चे को बेच सकते हैं वो भी नहीं बेच पाएंगे आराम से डिसीजन लीजिए जल्दबाजी में मत आइए देखिए बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं अगर आपका कॉलेज पब्लिक है और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है प्रोग्राम आपके रेलिवेंट है आराम से अपनी फीस पे करिए अपना प्रोसेस कंप्लीट करिए कोई इशू नहीं है आपका कॉलेज प्राइवेट है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको दे रहा है आपका प्रोग्राम रेलिवेंट है आराम से अपनी फाइल लॉन्च करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है मत अप्लाई करिए आपको मजबूरी में दो साल की बजाय तीन या चार साल का प्रोग्राम लेना पड़ रहा है मत लीजिए बहुत प्रॉब्लम आएगी एक दिन बचाते बचाते दस या डॉलर जो आप ही का है वही बचा रहे हो आप किसी का नहीं बचा रहे पहली चीज़ होती है ना कि मैंने पैसा सेव करना है पैसा सेव कहाँ से करना है आपके इंडिया के अकाउंट में पैसा पड़ा है वो कनाडा के अकाउंट में पड़ जाएगा जाकर आप ही का पैसा है आप ही को मिल जाना है किस चीज़ को सेव करने में हैं, मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ अगर आपके पास हो सकता है कि उस इस समय जहाँ जब आप फाइल लॉन्च करेंगे उस समय आपसे पाँच छः लाख या साढ़े छः लाख पैसा और अरेंज करना आपके लिए मुश्किल है तो आप डिसीज़न लें मगर फिर भी आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें कि उस पाँच छः लाख को बचाते बचाते आप कहीं अपना दस बारह लाख का लॉस ना कर लें अगर आप अभी भी कैनेडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए ऑप्शन है आपके लिए हमारे पास तीन ऑप्शनस हैं जो अच्छी ऑप्शन है बाकी तो आप अगर वैसे प्राइवेट कॉलेज लेना है कोई तीन साल की या चार साल की डिग्री लेनी है तो तो जितनी मर्जी ऑप्शन ले लीजिए मगर मैं मेरी आदत है जहाँ मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मुझे किसी को मिसगाइड नहीं करना आपको जो जैन इन्फॉर्मेशन है वो देनी है सबसे पहले पब्लिक कॉलेज है सेंट लॉरेंस अल्फा नाम ले रहा हूँ देखिए क्लियर ट्रंटो कैंपस है प्लस टू के बाद भी आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे दो साल के तीन साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा अगर आपने बैचलर या मास्टर डिग्री की है तो सेंट लॉरेंस में ही आपको मैं एक साल का दो साल का प्रोग्राम दे सकता हूँ और ट्ररंटो कैंपस में पब्लिक कॉलेज में एक दिन में आपको ऑफर लेटर लेके दूंगा सिर्फ़ एक दिन में उसके बाद अगर आप कॉन्फेडरेशन कॉलेज में नॉर्थ बे में जाना चाहते हैं तो वहाँ थंडर बे में जाना चाहते हैं कॉन्फेडरेशन कॉलेज वहाँ पर आपको पीजी प्रोग्राम मिल जाएंगे वहाँ पर भी आपको एक साल का दो साल का प्रोग्राम मिल जाएगा एक दिन एक दिन में आपको ऑफर लेटर आ जाएगा उसके बाद प्राइवेट कॉलेज है पोटाज कॉलेज कैलगरी अल्बर्टा में जेव एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा दो साल का प्रोग्राम तीन साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तीन ऑप्शन है तीनों में आपको एक दिन में ऑफर लेटर लेके दूंगा जीआईसी आपका कल को ओपन करके दूंगा कल का लास्ट डे आप मान लीजिए क्योंकि इंस्ट्रक्शन शीट भी आएगी फिर एक दिन में फिर आपका फ़ीस पे होगा उसके बाद वो प्रोसेस होकर हमारे पास सर्टिफिकेट आना चाहिए तो आप कल का दिन मान लीजिए कल कल में आपने डिसीज़न लेना है जे वीडियो आज मैं रात को अपलोड कर रहा हूँ कल कल में आपने डिसीजन लेना है मैं हर कंडीशन में आपकी फाइल लॉन्च कर दूंगा थर्टी दिसंबर से पहले पहले 118 फाइल्स ऑलरेडी हमारे पास लाइन में है क्यू में है आप हमारे साथ प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं इनों तीन कॉलेज में जहां पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा रेलिवेंट प्रोग्राम मिलेगा कोई प्रोग्राम चेंज करने की प्रॉब्लम नहीं और फीस भी बिल्कुल जैनुन है सोलह पंद्रह सोलह सत्रह हज़ार यानी कि ऐसा नहीं कि फ़ीस के नाम पे आपसे बीस हज़ार लिया जा रहा है दस दस लाख बारह बारह लाख तो लोग प्राइवेट कॉलेज का पैकेज दे रहे हैं मैं आपको सिर्फ साढ़े नौ साढ़े नौ दस लाख में पब्लिक और प्राइवेट कॉलेज जहाँ पर आपको जेन प्रोग्राम मिलेगा और जहाँ पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा जहाँ पर आपको प्रोग्राम चेंज करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी एक जीरो जीरो रुपये का आपका लॉस है और दस हजार दो सौ जी के साथ आपकी फाइल लॉन्च करेंगे फर्स्ट जनवरी 2024 से पहले आप इसको लास्ट कॉल मान लीजिए क्योंकि ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ को बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अपना प्रोसेसिंग बंद कर रहे हैं उसके बाद फिर मेरे हाथ भी खड़े हैं फिर आप पैकेज करिए कुछ करिए फिर वो जैसे कंसल्टेंट कर रहे हैं अभी मार्केट में जो हो रहा है बच्चों के साथ आज की बात मेरी याद रखना एक मंथ के बाद आप देखेंगे जो बच्चे कनाडा जाएंगे जिन्होंने दिसंबर में अपना प्रोसेस कंप्लीट किया खून के आंसू रोएंगे जो बच्चे आपको वहां पर मिलेंगे ना जो बोलेंगे कि सर हम दिसंबर में आए थे जब जी का अपडेट आया था जितने बच्चे आपको मिलेंगे 90 परसेंट बच्चों के साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है ना, अभी आप समझ नहीं पाएंगे जो प्राइवेट कॉलेज में कभी कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता था आज उन प्राइवेट कॉलेज ने अपनी सीट क्लोज कर दी हैं सिर्फ दिसंबर मंथ में इतना बड़ा मतलब डिसीज़न लिया बच्चों ने गलत और बच्चों को जब जो हमारी पैकेज की वीडियो आना शुरू हुई जब हमने इन्फ़ॉम करना शुरू किया कि आप ऐसा मत करो आपके लिए जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कितना पैसा आपका लग से जा रहा है कितने साल आपके वेस्ट हो रहे हैं उसके बाद बच्चों ने समझना शुरू किया कुछ बच्चे बच बच्च गए जिन्होंने अभी तक साइन नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट मगर जिन बच्चों ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे खाली चेक पर जाकर साइन कर कर आ गए थे और उन बच्चों को उनके उन बच्चों के पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि जो कंसल्टेंट है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस नहीं कर रहा और उसने बोला है कि अभी आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पहले डिसीज़न लीजिए उसके बाद फिर हम आपका जो फाइल है वो वापस करेंगे अभी इसमें और चीज़ बता देता हूँ अगर बाई चांस आपको रिफ्यूज़ल आ जाता है आपने अप्लाई तो कर दिया उसके साथ पैकेज में अगर रिफ्यूज़ल आ जाता है तो भी आपको बीस हजार छः सौ पैंतीस कनेडियन डॉलर पे करना पड़ेगा जीआईसी का चाहे आज आपकी फ़ाइल लॉज हुई है ना आपको बाई चांस भगवान ना करे रिफ्यूज़ल आ जाए और आपकी फाइल दोबारा लॉज हो फर्स्ट जनवरी 2024 से पहले तो भी आपको बीस हजार छः सौ पैंतीस डॉलर ही पे करने पड़ेंगे और आपकी फ़ाइल कैसे लॉज हुई है इस पर भी बात कर लेना अगर आपकी फ़ाइल प्रॉपर तरीके से लॉज ही नहीं हुई और बाई चांस आपको रिफ्यूज़ल आ गया तो भी आपको बीस हजार छः सौ पैंतीस डॉलर ही पे करने पड़ेंगे बहुत बड़ी न्यूज़ है इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर एक बच्चे तक ये पहुंचे क्योंकि अभी भी तीन से चार दिन हैं आज ट्यूसडे है फ्राइडे तक हमारे पास समय है फ्राइडे तक मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं उसके बाद मेरे हाथ भी खड़े हैं आप अगर किसी के साथ भी जाकर पैकेज कर रहे हो फ्राइडे तक तो उस पैकेज करने से पहले ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचा दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर मतलब आप मान लीजिए इसको आपकी तरह फैला दीजिए अगर आप सच में मेरा साथ देना चाहते हैं उन बच्चों का लॉस नहीं होना दे चा, होना देना चाहते और उन प्राइवेट कॉलेज का बेनिफिट नहीं होने देना चाहते जहां पर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता था नॉर्मल टाइम में आज उनके पास सीट्स नहीं है अगर फिर भी आपने मन बना लिया कि पैकेज करना है साढ़े सात लाख में करके दूंगा ढाई लाख आपका सीधा सीधा बचाऊँगा दस लाख से कम कोई पैकेज नहीं कर रहा मार्केट में साढ़े लाख में प्राइवेट कॉलेज दूंगा जहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परम नहीं होगा और मैं फिर भी बता रहा हूँ साढ़े सात लाख में भी आपका पैकेज कर कर फिर भी मैं पैसे बचाऊंगा जीआईसी आपने पे करना है आपका अम्बेसी फीस आपका बायोमेट्रिक फ़ीस आपका मेडिकल आपके सारे साल की ट्यूशन फ़ीस वो हमारी कंपनी पे करेगी अगर वीज़ा आएगा तो आपने साढ़े सात लाख रुपया देना है अदरवाइज़ कुछ पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा सिर्फ जी आपने पे करना है अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना आपको अगर ये एफर्ट हमारे अच्छे लगे जो मैं सच्चाई से आपके साथ बात करता हूँ अगर ये अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जहाँ पर मैंने बार बार आप सभी को बोला कि एट्टी अभी भी हमारे व्यूअर्स हैं जो कंटिन्यूसली हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं मगर उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कोशिश करें अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जितने रिलेटिव हैं जो भी पेरेंट्स हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए ता जो ये लॉस होने से जो स्कैम चल रहा है इस स्कैम से बच्चे बच सके थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ थैंक यू सो मच